नमस्कार दोस्तों, आज एक मैं बड़ा सिंपल सवाल आपसे डिस्कस करूंगा। किसको और कौन सी बैंक लोन देती है? मतलब अलग अलग कैटेगरी के पीपल्स होते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, कोई प्राइवेट, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड और कोई छोटी मोटी पार्टनरशिप में काम करता है, तो उसको कौन सी बैंक लोन देती है? आज के वीडियो में मैं आपको एक एक क्लेरिफाई करूँगा ताकि आप जिस कैटेगरी में आते हैं आप वहीं पर ही लोन अप्लाई करें। देखिए, सबसे पहले मैं कैटेगरी डिफाइन कर लेता हूँ कि किस तरह, जो अगर यदि मैं आज की डेट में डिस्ट्रीब्यूट करूँ कैटेगरी वाइज लोगों को, तो कितनी कैटेगरी निकलेंगी। देखिए, इसमें छह कैटेगरीज निकलती हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, एमएनसीज और पीएसयू एम्प्लॉयज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़, प्रोप्राइटर पार्टनरशिप फर्म के एम्प्लॉयज़, जो सेल्फ एम्प्लॉयड, जो लोग खुद का बिजनेस करते, अनएम्प्लॉयड जिनका कोई बिजनेस नहीं है। ये छह कैटेगरीज में आप लोगों को डिफाइन कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। अब हम एक एक करके करते हैं कि कौन सी बैंक किसको लोन देगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, मतलब जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं डायरेक्टली, जैसे किसी विभाग में काम कर रहे हैं, टीचर हैं, आर्मी में हैं, इस तरह के लोगों को कौन लोन देती है? देखिए, सबसे ज़्यादा जो अग्रेसिव है इसमें, सबसे पहले SBI, दूसरे नंबर पे HDFC बैंक, तीसरे पे ICICI बैंक। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो मैं आपको हिदायत दूंगा कि आप ये तीनों बैंकों में ही अप्लाई करें, इसके अलावा कहीं और ना अप्लाई करें, क्योंकि ये तीनों बैंक एक तो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट देंगे आपको और बड़ा स्मूथली आपका काम हो जाएगा। बेसिकली ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनको एक एडवांटेज होती है बजाय दूसरे लोगों के मुकाबले। एक तो जॉब स्टेबिलिटी रहती है कि अनटिल अनलेस कोई फ्रॉड करे, मैलिफाइड इंटेंशन हो, तो उसकी जॉब सिक्योर रहती है। डिसेंट सैलरी मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, मैं नहीं बोलता कि ज़्यादा मिलती है सैलरी, लेकिन डिसेंट मिलती है कि उससे उसके खर्चे वगैरह और ज़रूरतें पूरी हो जाएं। प्रीवियस रिकॉर्ड, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहता है तो अगर यदि उसने पहले लोन लिया होता है, चूँकि एक कांस्टेंट सैलरी उसकी आ रही होती है, जॉब स्टेबिलिटी होती है, तो लोन रीपेमेंट भी बड़ा आसानी से हो जाता है। इसकी वजह से इस वर्ग के लोगों को सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर बैंक लोन मुहैया कराती है। अब हम बात करते हैं PSUs की और MNCs कंपनी, जैसे हमारे यहाँ PSUs में आ जाता है ONGS, ONGC, NTPC और आपकी जो MNCs में आ जाती है आपका टाटा, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, इस तरह की जो कंपनी है उनके बात करते हैं। देखिए, इसके अंदर मैं आपको एक कहूँगा, जहाँ आपका सैलरी अकाउंट हो, चाहे कोटक महिंद्रा में हो, चाहे HDFC बैंक में हो, चाहे SBI में, सबसे प्रायोरिटी आप अपने सैलरी अकाउंट वाले बैंक को ही रखें। होगा क्या, एक तो बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन आपको कराने पड़ेंगे और लोन आपका सेम डे घंटे दो घंटे में हो जाएगा। पहली प्रायोरिटी आप उसी को रखिए। दूसरी प्रायोरिटी पर ये आ जाते हैं कि NBFCs, लोन ऐप्स, अगर किसी वजह से आपका सिविल ख़राब है, पुराना रिकॉर्ड ठीक नहीं है, फॉर रेशियो ज़्यादा चाहिए, तो आप लोन ऐप्स वगैरह इन पर को देख सकते हैं। जनरली देखा गया है कि MNCs और PSU के एम्प्लॉयज़ को भी उतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलती है जितनी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती है, क्योंकि एकाएक जो MNC और PSU कंपनी में काम करता है उसकी जॉब स्टेबिलिटी होती है, एकाएक कोई भी कंपनी किसी को निकालती नहीं है। हाई सैलरी होती है PSUs और MNCs कंपनीज़ की, सैलरी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और पुराना रिकॉर्ड भी उनका लगभग ठीक ठाक रहता है। तो इस तरीके से अगर आप MNC या PSUs के एम्प्लॉय हैं तो मैं आपको प्रेफर करूँगा आप HDFC, ICICI, SBI में जाएं। हाँ, अगर आपका सैलरी अकाउंट कहीं और किसी बैंक में है तो पहले अपने जहाँ सैलरी अकाउंट वाले बैंक को ही टच करें। अब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर का मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं या दूसरी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, जो MNCs नहीं हैं, लोकल में काम करती हैं, 500 एम्प्लॉई, 1000 एम्प्लॉई, उस तरह के, क्योंकि जो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं वो MNCs में आती हैं। देखिए, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ में होता क्या है कि इनका सैलरी अकाउंट SBI में नहीं होता, होता है जनरली इनका HDFC, ICICI या किसी और में। अगर आपकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा है प्राइवेट कंपनी में, तो सबसे पहली प्रेफरेंस आप HDFC और ICICI को दीजिएगा, क्योंकि ICICI और HDFC में जो मिनिमम सैलरी ये लोग लेके चलते हैं 25,000 बोलते हैं, लेकिन 30,000 तक आप मानो कि आपको अच्छा लोन मिल जाएगा, आपको इंटरेस्ट रेट भी अच्छा मिलेगा।
हाँ, अगर आपकी सैलरी 30,000 से कम है तो आपको ICICI और HDFC लोन आसानी से नहीं देगा, बड़ा मुश्किल है लोन लेना। आपको दूसरे प्राइवेट बैंकों की तरफ रुख करना पड़ेगा, इंडसइंड बैंक, IDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, या फिर आपको NBFCs देखनी पड़ेंगी, आदित्य बिरला, पूना वाला। अगर वहाँ से भी नहीं मिलता तो लोन ऐप्स आपको देखनी पड़ेंगी, मनी व्यू, मनी वाइड, अब इनक्रेड ऐप, इनमें आपको लोन मिलेगा अगर सैलरी 30,000 से कम है तो। और बाकी मैं चॉइस में आपको मैं आपको यही एडवाइस करूँगा, कोशिश करिए कि आपको बैंक से ही लोन मिले बजाय NBFC या लोन ऐप से, क्योंकि NBFC या लोन ऐप से थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है तो आपके पॉकेट पर थोड़ा हैवी बर्डन पड़ेगा। तो कोशिश करिए थोड़ी बहुत भाग दौड़ करने के बाद या तो आप हमसे ही कांटेक्ट कर लिए, हम कोशिश करेंगे कि आपका प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर बैंक में ही लोन कराएं। अब आती है ऐसे एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में काम कर रहे हैं या पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं या किसी इंडिविजुअल के यहाँ काम कर रहे हैं। मतलब ऐसी फर्म जनरली इन लोगों की स्ट्रेंथ 5 या 10 एम्प्लॉयज से ज़्यादा नहीं होती और कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स भी आती है उन एम्प्लॉयज़ के साथ। देखिए, एक तो ये इनको जो सैलरी मिलती है उसमें जनरली PF डिडक्शन नहीं होता, इरेगुलर सैलरी मिलती है, कई बार ज़्यादा कई बार कम, कई बार कहा कि 3 महीने की एक साथ ले लो, और सैलरी स्लिप कई बार केसेस में नहीं मिलती। लेकिन इन प्रॉब्लम्स में भी कुछ कुछ ऐप्स हैं, मैं आगे बताऊँगा, जो लोन देती हैं। सिर्फ एक केस है, अगर यदि कैश में आपको सैलरी मिलती है फिर कोई लोन नहीं देगा आपको, यानी कि कैश सैलरी वालों को किसी, चाहे आपको 50,000 कैश में मिलती है तो भी कोई लोन नहीं देगा। अब हम बात करते हैं क्या क्या ऑप्शन उपलब्ध है। मान के चलिए कि आपकी सैलरी रेगुलर आ रही है, PF कट रहा है, नहीं कट रहा, सैलरी स्लिप मिल रही है। देखिए, इनक्रेड ऐप है, मनी वाइड ऐप है, ट्रू बैलेंस ऐप है, L&T ऐप है। यहाँ पर आपको आपकी सैलरी शो नहीं करनी पड़ती, यानी कि कुछ ना कुछ कमी है तो इन वाले ऐप्स पर आपका लोन आसानी से निकल जाता है। आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपको देखते ही बता देंगे कि कौन सी ऐप्स या कौन सी NBFC आपको लोन देगी, हम वहीं पर आपका लोन अप्लाई करेंगे। अब हम बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड का। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब ये हो गया जिनका खुद का बिजनेस है, चाहे छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा बिजनेस है, या किसी तरह की शॉप चलाते हैं या ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग मतलब कि जो प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग करते हैं, मैं शेयर मार्केट की ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, तो उनको सेल्फ एम्प्लॉयड कहा जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड को भी पर्सनल लोन मिलता है, पर्सनल लोन सिर्फ सैलरीड क्लास को नहीं मिलता, सेल्फ एम्प्लॉयड को भी मिलता है। लेकिन उसके अंदर क्या रहता है कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बैंक्स और NBFCs देखते हैं, वो जनरली ये देखते हैं कि आपका बिजनेस 1 साल पुराना रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सिविल स्कोर 700 के ऊपर हो, और कम से कम 20,00,000 की सेल्स आपने अपने बैंक अकाउंट के अंदर रूट करी हो जो कि जेन्युइन हो। अगर ये तीनों एलिजिबिलिटी आपकी फुलफ़िल होती हैं तो आपको पर्सनल लोन मिलेगा। कई बैंक उसको बिजनेस लोन का भी नाम देते हैं, लेकिन आप उसको अपने पर्पज़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर भी बैंक आपसे नहीं पूछेगा कि आपको ये पैसा बिजनेस में लगाना है, क्योंकि बिजनेस लोन में जो कैश क्रेडिट लिमिट बनती है उसमें कंस्ट्रेंट रहती है कि ये पैसा बिजनेस में ही लगाना है। टर्म लोन आप अपने अकॉर्डिंगली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपके लिए ये वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब कहाँ पर अप्लाई करा जा सकता है? देखिए, पर्सनल लोन बिजनेसमैन को कौन कौन देता है? बजाज फिनसर्व देता है, लैंडिंग कार्ड देता है, मनी व्यू देता है, फेयर सेंड देता है, इंडिफी देता है। ये सब पर्सनल लोन ऑफर करते हैं बिजनेस क्लास पर्सन को। अब हमारी एक आखिरी कैटेगरी आती है अनएम्प्लॉयड। अगर कोई व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है, फ्रेशर है या स्टूडेंट है, एज 21 साल से कम है, तो उसको कोई भी लोन नहीं मिलेगा, ना कोई NBFC लोन देगी ना कोई लोन देगा। अगर वह इधर उधर के चक्कर में पड़ेगा, जैसे कई बार कई फर्जी एडवर्टीजमेंट आ जाते हैं कि हम मार्कशीट पे लोन दे रहे हैं, उस पे लोन दे रहे हैं, वो सिर्फ आपको पैसा ठगेंगे, लोन कोई नहीं देता। अगर आप पहले जॉब करते थे लेकिन किसी वजह से आपकी जॉब छोड़ गई है, तो भी शायद कोई बैंक आपको लोन नहीं देगा, क्योंकि एटलीस्ट बैंक NBFCs ऐप ये चाहते हैं कि कम से कम 6 महीने की जॉब स्टेबिलिटी आपकी हो, कि आप जिस पर जॉब में जो काम कर रहे हैं वह 6 महीने आपने काम किया हो। फ्रेंड्स, आप हमसे जुड़ सकते हैं connecting.finserv से। हम 2% तक का पेआउट आपको देते हैं। पैन इंडिया हम लोन कराते हैं, इंडिया के किसी भी कोने में हम लोन करा सकते हैं, फिर पर्सनल लोन और बिजनेस लोन। हमसे जुड़ने के लिए हमारे 9717550964 आप कॉन्टैक्ट करिए। बाकायदा आज हज़ारों लोग हमसे जुड़ के पैसा कमा रहे हैं, आप भी पैसा कमाइए।
फ्रेंड्स, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।